एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ खुले बालों के लिए तीन बहुत ही खूबसूरत से और आसान से हेयर स्टाइल। तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियो अपलोड की हुई है जो कि वाटरप्रूफ कैसे करना है मेकअप को। आप उस तरीके से अगर मेकअप करते हो तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वाटरप्रूफ रहेगा एंड निकलेगा नहीं। पानी से मैंने चेक करके भी दिखाया है और ये मेकअप वही है, एकदम ग्लोइंग है एंड नेचुरल। डे पार्टी मेकअप में आप ऐसे जा सकते हो। मैंने फेस को वॉश कर लिया फिर भी मेरा मेकअप बिल्कुल भी नहीं निकला है और बिल्कुल अच्छे से टिका हुआ है। तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो। और बहुत मेकअप सीक्रेट्स, छोटी छोटी बारीकियाँ जो होती हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया। तो चलिए इस चैनल की बात कर लेते हैं। तीन ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल जो कि आप कॉलेज जा रहे हो तो बना सकते हो, या फिर कहीं जा रहे हो आपको आपके बाल छोटे हैं तो आप ये सारी हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो एंड वेडिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हो गाइस ये सारी हेयर स्टाइल। या बस हेयर स्टाइल यूज कीजिए, बस आप देखिए कि आपके फेस पे सूट क्या कर रहा है, आप उस टाइप का हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड पार्टीशन से करूँगी, इस तरीके से साइड पार्टीशन मैंने कर लिया है। देन थोड़ा सा हेयर इस तरीके से लूँगी। बहुत ही आसान आसान हेयर स्टाइल मेरे चैनल पे है गाइस। देखो आजकल आपने वीडियो देखना थोड़ा कम कर दिया है, प्लीज़ जाके चेकआउट करो गाइस। इस तरीके से हेयर को हटाना है, देन अपनी क्लिप से सेट कर लेना है जो भी क्लिप है आपके पास। बहुत ही इजी है और बहुत खूबसूरत लगता है ये सारे हेयर स्टाइल जो भी मैं बताती हूँ। सेकेंड साइड से भी छोटे छोटे बाल हैं, शोल्डर तक है, यहाँ तक हैं, तो भी ये सारे हेयर स्टाइल कर सकते हो और बहुत प्यारे लगेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल जो कि खुले बालों में, छोटे बालों में काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप कॉलेज जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, आपके बाल फेस पे नहीं आएंगे एंड आप काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको फ्लैट कर देना है बालों को अच्छे से, देन सिंपली इस तरीके से लेके जाना है। और क्लिप से इसको सेट कर देंगे। क्लिप जब भी लगाते हो आप इस तरीके से क्रॉस करके लगाओ जिससे कि जो आपका हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। आप चाहो तो इसको थोड़ा थोड़ा खींच सकते हो जिससे कि जो लेयर्स हैं वो क्लियर ही दिखे। तो एक साइड से आपको इस तरीके से रखना है, सेकेंड साइड में फ्रंट का हेयर छोड़ना है, देन यहाँ से इस तरीके से हेयर को लेंगे अच्छे से ऊपर की तरफ फॉर्म करके लेके जाएंगे और सिंपली ऊपर से ही ट्विस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ऊपर से ट्विस्टिंग स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छे से ट्विस्ट आता है आपके बालों में और इसको थोड़ा सा खींच लेना है, देन बैक में क्लिप लगा देना है और इस क्लिप को अच्छे से ढक देना है। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी ईजी है, तो कोई भी बना सकता है इसको। तो चलिए थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने आवाज़ दोबारा से डाली थी क्योंकि मेरे कस्टमर आ गए थे जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे आवाज़ नहीं डाली। तो इस तरीके से आपको हेयर को लेना है एंड फ्रेंच ब्राइड बनानी है इस साइड में। ये देखिए जो फेशियल करा रही है उन्हीं के बच्चे हैं जो आपको पीछे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हेयर को, हेयर का थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेना है एंड फ्रेंच ब्रेड बनानी है। दोनों साइड सेम तरीके से आपको करना है, इस तरीके से बनाते जाना है एंड तक।
इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमको सही से ब्रेड बनानी है, बैक तक लेके जाना है एंड बालों को हटा के चोटी को अंदर की तरफ रख के और पिनअप कर देना है, जिससे कि हमारी वो क्लिप्स जो होती हैं वो दिखाई ना दें, बॉबी क्लिप जो भी क्लिप आप लगाते हो वो। तो चलिए पूरा एंड तक इस यहाँ पर फ्रेंच ब्रेड बना लेती हूँ, उसके बाद से देखिए क्या लुक आता है, बहुत प्यारा लगेगा। आप चाहो तो उसको कॉलेज पार्टी शादी वगैरह में भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक आएगा और आप कंफर्टेबल भी रहोगे, अगर आपके बाल छोटे हैं तो बहुत अच्छा लगने वाला होगा। तो जैसे हमने पहली बार इस तरीके से फ्रेंच ब्रेड बनाई थी, वैसे ही दूसरी साइड भी बनानी है। पूरा एंड तक बनाने के बाद से थोड़ा सा चोटी बना लेंगे एंड बालों को कुछ इस तरीके से हटाएंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इस तरीके से हेयर को हटाएंगे एंड नीचे की तरफ इसको लेके जाएंगे और क्लिप से सिक्योर करेंगे। क्लिप को कैसे लगाना है वो भी देख लीजिए, इस तरीके से आपको क्लिप को एक बार आपने लगा दिया फिर दूसरा क्लिप लीजिए और उसके ऊपर ही इस तरीके से क्रॉस करके लगाएंगे तो आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा एंड क्लिप को ढक देना है और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको तीनों हेयर स्टाइल पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। क्योंकि सिर्फ हमने चार बॉबी क्लिप्स का यूज किया है और तीनों हेयर स्टाइल काफ़ी स्टाइलिश हैं, कॉलेज गर्ल्स के लिए भी बेस्ट रहेंगे, खुले बालों के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और सेकंड चैनल पे जरूर जाइएगा।